संसद भवन का केंद्रीय कक्ष देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों से सुशोभित है, जहां राष्ट्रीय नेताओं की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में युवा भारत की भागीदारी की शुरुआत की जा रही है, ताकि देश के युवा वर्ग को इन महान राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और योगदान से परिचित कराया जा सके। लोकसभा सचिवालय का संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड इस नवीन संकल्पना पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में पहले कार्यक्रम का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम विभाग के समन्वय से इस कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन में हो रहा है। इसमें देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आधार पर चयनित युवा संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 30 चयनित प्रतिभागियों को संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में देश के विकास में राष्ट्रीय नेताओं के योगदान के बारे में बोलने और उनके जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों को दोहराने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। उन्हें संसद के दोनों सदनों के कक्ष, संसदीय ग्रंथालय, कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राजघाट भी ले जाया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग और युवा कार्य विभाग द्वारा पूरे देश से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 99 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म और दीक्षा के माध्यम से 2021 में आयोजित अपने संविधान को जानिए, पोस्टकार्ड क्विज और कला उत्सव जैसे विभिन्न क्विज विजेताओं में से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 29 प्रतिभागियों को नामांकित किया गया था। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 35 प्रतिभागियों को नामांकित किया गया है। युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा नामांकित 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के शेष 35 प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित करने के लिए विद्यार्थी और जो विद्यार्थी नहीं है सहित युवा प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग से किया गया है।